नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। रहटी, मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र रहटी में जिला सहकारी बैंक की मनमानी से किसान अपने खून पसीने की मेहनत से उपजाई फसलों के भुगतान के लिए परेशान हो रहे हैं और कोरोना काल में बैंक के सामने भीड़ लगाकर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। किसानों ने जैसे तैसे खरीद केंद्रों पर रात दिन एक कर अपने गेहूं की उपज सरकार को तुला दी, पर जब रुपए लेने की बारी आई तो बैंक के रवैये से परेशान हो रहे हैं। रहटी की जिला सहकारी बैंक में ग्राहक के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एक ही काउंटर से भुगतान होने से लंबी लाइन और भीड़ लगती रहती है। दूर दूर ग्रामों से आए किसानों के लिए ना छांव है, ना पानी है और ना सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था है। किसान बैंक के साइड में बंद दुकानों के साइड में बैठने को मजबूर हैं। इतनी भीड़ में कौन संक्रमित है यह पता नहीं चलता है। बैंक में सुबह 9 बजे तक टोकन दिए जाते हैं और 2 बजे तक बैंक बंद हो जाते हैं। ऐसे में कई किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। महामारी के दौर में किसे किस लिए रुपयों की जरूरत है यह तो वही जानता है, जिस पर बीतती है वही जानता है। व्यवस्था के बारे में पूछने पर प्रभारी प्रबंधक कोई जवाब नहीं दे रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विजय सिंह कटारा, सर करता। ये सहकारी बैंक खड़े हो आप, कब से खड़े हो यहाँ पर? मैं करीबन यहाँ से 11 बजे का आया हूँ। तो क्या समस्या क्या आ रही है आपको? समस्या ये है कि पैसे के लिए आया था, गेहूँ तो मिले नहीं मिले देखना था, हमें तकलीफ है बच्ची को। हाँ। उस विषय में आया तो उसको हॉस्पिटल ले जाना था। फिर अभी क्या दिक्कत है यहाँ? अभी तो क्या टोकन वालों को ही मिल रहा है बस, बगैर टोकन वालों को नहीं मिलता। सुबह बता रहा है कल 9 बजे मिलता है टोकन, 9 बजे के बाद में जो 2 बजे तक खुली रहेगी बस। तो आपको नहीं मालूम था कि यहाँ टोकन बटता है? हाँ नहीं, वो तो आया इसके बाद में पता लगा मेरा। आप कब आए थे यहाँ पर? 11 बजे। रहटी से खबर समय जगत के लिए बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।